प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन का त्यौहार मनाती है। कहा जाता है कि हर एक संत का पास्ट है, हर एक संत का भूतकाल है और उसी प्रकार हर एक पापी का भविष्य है। संत अगस्तीन के जीवन में हम इन दोनों बातों को देख पाते हैं। वो अपनी सुंदर सी किताब कन्फेशन में अपने जीवन के बारे में, जीवन के कड़वे और मीठे पलों के बारे में वो जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। हम आज के सुसमाचार पर दृष्टि डालेंगे तो आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 25 वाक्यांश 1 से लेकर 13 तक है। वहां पर प्रभु हमें 10 कुवारियों का दृष्टांत सुनाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इस सुसमाचार को, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 तक। उसमें हम देखते हैं कि 5 समझदार कुवारियां और 5 नासमझ। सुसमाचार कहता है कि समझदार अपने दिया जो लेकर आए थे उसके साथ कुपियों में वो तेल भी लाए, लेकिन नासमझ तेल नहीं लाई। जब दूल्हे का आने का समय हुआ और नासमझ कुवारियों के दिए जो बुझ रहे थे, उन्होंने समझदार स्त्रियों से पूछा, अपने कुपियों में से थोड़ा तेल हमें उधार दे दो। लेकिन उन्होंने मना किया और कहा, क्या जाने आपके लिए और हमारे लिए तेल पर्याप्त ना हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये तेल क्या है? समझदार कुवारियों ने अपने कुपियों में से थोड़ा सा तेल उनको क्यों नहीं दिया, ताकि वो भी दूल्हे के साथ विवाह मंडप में प्रवेश कर सकते थे। ये तेल और कुछ नहीं है प्यारे भाई और बहनों, ये हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी है। इसे चाहकर भी हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, और यदि कोई चाहे तब भी वो हमें उधार नहीं दे सकता है। ये जो आध्यात्मिकता रूपी तेल, हमें अंदर से उसको बनाए रखना है, उत्पन्न करना है। और संत अगस्तीन शायद इस नासमझ 5 कुवारियों जैसे अपने शुरुआती जीवन में वो सांसारिकता में डूब गया, रम गया, वो शायद उसी में खुशहाली ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अंत में उसे समझ में आया कि ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ हमें उधार दे सकती है, और उधार का चीज़ ज़्यादा दिन तक बना रही रह सकता जब तक मैं अपने लिए अपनी चीज़ उत्पन्न ना कर लूँ, जब तक मेरे पास जो चीज़ें हैं उसका मालिक मैं स्वयं ना हो जाऊँ। और ये है संत अगस्तीन का जीवन। पहला, जैसे हमने कहा कि उन्हें सांसारिकता में, भोग विलास में वो डूबता चला गया, लेकिन जैसे ही उसे ईश्वर का प्रेम महसूस हुआ तो उसने अपने अंदर वो तेल उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और इसलिए आज माता कलीसिया उन्हें एक महान संत के नाम से पुकारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, शायद मैं और आप भी अक्सर लोगों से चीज़ें उधार लेना चाहेंगे। जो चीज़ें मेरे पास नहीं है हम दूसरों से लेने की, खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिकता है, अच्छाई है, ये हम ना किसी से उधार ले सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं, और ना ही मैं किसी को उधार दे सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ें हमें अपने अंदर से उत्पन्न करना है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु क्रिस्त हम सबकी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम उन समझदार कुवारियों जैसे बने जो अपने साथ सदा जो अच्छाई, पवित्रता और आध्यात्मिकता का वो तेल उन्होंने बनाए रखा। वही क्रिस्त हम सबकी मदद करें। आप सभी को जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।